कोरोना वायरस के खिलाफ देश भर में जनता कर्फ्यू का लोगों ने पालन किया। उत्तराखंड में भी जनता कर्फ्यू पर हर जगह सन्नाटा देखने को मिला। ये तस्वीरें हैं पहाड़ों की रानी मसूरी की। मसूरी में भी जनता कर्फ्यू का असर दिखा। शहर में सन्नाटा पसरा रहा। सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा है। पर्यटन नगरी में दुकानें पूरी तरह से बंद रही, तो वहीं नगर पालिका के स्वास्थ्य कर्मी शहर को सैनिटाइज करते हुए नजर आए। अब ये तस्वीरें हैं बागेश्वर की, जहां पर लोगों ने कर्फ्यू का पालन किया। बाजार बंद रहे, सड़कें पूरी तरह से खाली रहीं। सुबह से ही सभी टैक्सी स्टैंडों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ रहा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों ने भी अपनी जागरूकता यहां पर दिखाई। हमारे पास हेल्थ चेकअप के लिए एक गाड़ी आई थी, उसमें 22 लोगों का हेल्थ चेकअप मैंने अभी किया है। सब मेडिकली फिट हैं, सबका टेम्परेचर अभी नॉर्मल है, 97.4 के अराउंड सब लोग फॉल कर रहे हैं, तो ऐसे कोई कंप्लेन किसी में नहीं है। अभी दिल्ली से आ रहा हूँ, वहाँ जॉब करता हूँ। अभी मैं देख रहा था कि आदम बिहार में बसें कम हैं और सभी अपने गाँव जाना चाहते थे, तो काफ़ी बसें नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, इसलिए काफ़ी जो वायरस चल रहा उसकी काफ़ी फैलने की संभावना ज़्यादा थी उधर। हरिद्वार में भी पीएम के आह्वान पर जनता कर्फ्यू के समर्थन में बाजारों को बंद रखा गया। सड़कों पर सन्नाटा रहा। हरिद्वार के हर की बैड़ी सहित सभी जगहों पर सन्नाटा ही पसरा रहा। टिहरी के जौनपुर में भी बाजार बंद रहे। धनौल्टी बाजार पूरी तरह से बंद था। धनौल्टी में सैलानियों का आना जाना पूरी तरह से बंद है। कोरोना का खौफ टिहरी में भी नजर आया। टिहरी में भी जनता कर्फ्यू का असर दिखा। नई टिहरी, चंबा, घनसाली, लमगांव, गजा और नरेंद्र नगर बाजार पूरी तरह से बंद रहे। चंबा में ऋषिकेश रोड और बाईपास चौक पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद रही और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मुस्तैद नजर आई। के लिए निकला था कि देखने के लिए कि हमारे जो टैक्सी थे उसमें बंद का क्या असर है। पूरा आज हमारा चंबा, टिहरी जिला, पूरा भारतवर्ष इस कोरोना को हराने के लिए सब लोग एक साथ एकजुट हो रखे हैं और सारी दुकानें, सारे वाहन जितने भी हैं सारे के सारे बंद हैं, सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं। कल से हमारा ऑर्डर मिल गया था कि एक चेक पोस्ट बनानी है, तो हम यहाँ पे चेक पोस्ट पे जो है हमने एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट और एक वार्ड बॉय अपना तैनात कर रखा है। जो नीचे से आने वाले पैसेंजर्स हैं या जो भी इधर उधर से लोग आ रहे हैं उनका हम जो है यहाँ पे अपने स्तर से उनको टेस्टिंग करेंगे और वो लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्या है, उसका ही पूरा एक रिकॉर्ड रख रहे हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए जनता कर्फ्यू का सीधा असर बॉडी में भी देखने को मिला। जनता कर्फ्यू का समर्थन कर आज हर किसी ने घर पर ही रहकर जनता कर्फ्यू को सफल बनाया, जिससे समस्त पौड़ी जिले में सन्नाटा पसरा रहा। बाजार पूरी तरह से बंद रहे लेकिन आपातकालीन सेवाओं को सुचारू रखा गया। सर, मजदूरी तो मजदूरी है, जरूरत है। अब यूनियन, हम इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, हमें कहा कि भाई वहाँ पौड़ी में बोर्ड लगना है, इस कर्फ्यू का पता नहीं था हमें, हम कल आ गए यहाँ पे। जनपद में हमने पूरे सभी थाना चौकियों को सेक्टर में डिवाइड किया है और कल हमारा फोर्स मोबाइल में रहेगा। विभिन्न मोबाइल पार्टियां मोबाइल में रहेंगी। जनता कर्फ्यू के दौरान हर जगह पर एक जैसी ही स्थिति देखने को मिली। लोग कोरोना से लड़ रहे हैं और अपनी जागरूकता भी दिखा रहे हैं, इसीलिए संवाद 365 आपसे अपील करता है, जनता कर्फ्यू के बाद भी घर पर ही रहें और खुद को सुरक्षित रखें। संवाद 365 के लिए मसूरी से राजवीर रौंछेला, हरिद्वार से नरेश तोमर, बागेश्वर से हिमांशु गढ़िया, जौनपुर से सुनील सजवान, पौड़ी से भगवान सिंह और टिहरी से बलवंत रावत की रिपोर्ट।